होनहार गायक गोलू राजा के एगो कार्यक्रम के दौरान गोली लाग गई। हम कहले से हुनका के दू तीन बेरी फोन ट्राई कैनी बट फोन लागत नहीं के स्विच ऑफ बतावता। तो हमरा पता चलल कि वो बनारस में एडमिट बने, तो हम अपना बड़का भैया के जो अभी बनारस में बने उनका बेरी भेजनी और कहनी कि जाके देख लो कोनो दिक्कत ना हो के बनारस में बढ़ल लोग। तो बड़का भैया गए भी रहन, वो अभी उनका हालत में सुधार बा, वो ठीक बढ़ल। एकरा आगे के बात ई बा, हम जोन कहे खातिर वह सबके सामने आयल बनी कि एगो गायक जोन केहू के द्वार पर जाला चाहे कोनो मंच पर जाला, वो कोनो घर के बहुत दुलारा लड़का होला, कोनो माई के बेटा होला, कोनो बाप के आँख के तारा होला, तो ऐसन कार्यक्रम के दौरान ऐसन मजाक उचित नहीं थे और ये सब बहुत गलत बात बा कि कार्यक्रम केहू गावता केहू कौनो कलाकार होके या वो गायक होके या डांसर होके केहू के भी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ ना होके के चाहिए। और हम सरकार से अनुरोध करब कि जितना भी ये टाइप के कार्यक्रम होला जौन प्रोग्राम होला एमे जौन भी असलहा हथियार सब पर पाबंदी लगावे, ताकि जौन ये तो कार्यक्रम प्रोग्राम एगो मनोरंजन खातिर होला तो सीधा तौर पर खाली मनोरंजन हो सके। ये सब उचित नहीं है केहू के भी जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ कर। अभी तो जांच के विषय बा कि वो गोली संजोग बस लाग गई या फिर जानबूझ के मारल गई, लेकिन अगर ये जड़ के ही खत्म कर देवल जाओ कि कार्यक्रम में प्रोग्राम में असलहा हथियार अलाउ ही ना कर जाओ तो इन सब चीजों से निजात मिल सकेला। तो आगे से इस सब बात के ध्यान रखे के होई और हम सरकार से गुजारिश करब, उत्तर प्रदेश सरकार बिहार सरकार कहीं से भी जहाँ पे कुल कार्यक्रम होता या फिर एक ऐसा कार्यक्रम के अनुमति लेवे खातिर जे भी जिलाधिकारी के पास जाए, तो जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन बा कि वहाँ के ये क्लियर कर लें कि रुआ प्रोग्राम में असलहा के ना यूज हो, वो जाके वो असलहा लेके ना जाए, तो ये बहुत उचित रहे कहे से कि मनोरंजन खातिर प्रोग्राम होला और सिर्फ और सिर्फ फिर मनोरंजन हुई, तो क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ के लिए ठीक नहीं के। और भाई गोलू राजा खातिर हम माई से प्रार्थना करब कि जल्दी से जल्दी उनका के स्वस्थ करस और हमने सब भोजपुरिया लोग के एक से सीख लेवे के चाहिए कि आगे से ऐसे कुल प्रोग्राम में